दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया तीसरा T20 मुकाबला काफी रोमांचक था, जहां पर इंडियन टीम ने जो है वो टाई होने के बाद मैच सुपर ओवर में जाकर के जीत लिया। और दोस्तों उस मैच में रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बदौलत भारतीय टीम जो है वो न्यूजीलैंड को हराने में सक्षम हो पाई। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय टीम के प्लेइंग 11 और न्यूजीलैंड की टीम के प्लेइंग 11 के बारे में, यानी कि फोर्थ T20I में दोनों टीमों का प्लेइंग 11 जो है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम जो है वो इस सीरीज को जीत चुकी है। तो फ्रेंड्स, भारतीय टीम में आपको एक या दो बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में, मैच कितने बजे से स्टार्ट होगा, मैच का वेन्यू क्या रहने वाला है, और दोस्तों सारी डिटेल्स जो है वो आपको देने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को देखते रहिएगा बिल्कुल लास्ट तक। और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप भी हो भारतीय क्रिकेट टीम के फैन तो फटाफट से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की सभी अपडेट्स सबसे पहले पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको क्रिकेट से जुड़ी सभी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताएंगे इंडियन टीम के प्लेइंग 11 के बारे में, भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में कौन कौन से चेंजेस जो है वो संभावना है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में ओपनिंग तो रोहित शर्मा और लोकेश राहुल करेंगे, तीसरे नंबर पर विराट कोहली आएंगे और चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर आएंगे, पांचवें नंबर पर मनीष पांडे आएंगे। लेकिन दोस्तों, शिवम दुबे के जगह पर छठवें स्थान पर इंडियन टीम में एक चेंज आपको देखने को मिल सकता है। शिवम दुबे के स्थान पर या तो वाशिंगटन सुंदर खेलते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर ऋषभ पंत को मौका दिया जा सकता है। और दोस्तों, उसके बाद रविंद्र जडेजा कंफर्म है जो खेलने वाले हैं, लेकिन शार्दुल ठाकुर की जगह आपको नवदीप सैनी भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों नवदीप सैनी को इंडियन टीम जो है वो मौका देना चाहेगी। और उसके बाद मोहम्मद शमी का खेलना तय है, युजवेंद्र चहल भी खेलेंगे, और आपको अंत में जसप्रीत बुमराह का भी खेलना जो है वो तय है। और अब दोस्तों, हम एक नजर डाल लेते हैं न्यूजीलैंड टीम के प्लेइंग 11। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। इनके लिए एक बार फिर से ओपनिंग करने वाले हैं मार्टिन गप्टिल और कॉलिन मनरो, क्योंकि इन दोनों का परफॉर्मेंस जो है वो इस सीरीज में काफी अच्छा रहा है। नंबर तीन पर केल विलियमसन आएंगे, जो कि पिछले मुकाबले में अपना शतक जो है वो बनाने से चूक गए थे। चौथे नंबर पर कॉलिन डी ग्रैंडहोम आएंगे, पांचवें नंबर पर रॉस टेलर, छठवें नंबर पर विकेट कीपर बैट्समैन टिम सैफर्ट, सातवें नंबर पर लेफ्ट हैंडेड स्पिनर मिचेल सेंटनर, और आठवें नंबर पर टिम साउदी, नौवें नंबर पर स्कॉट कुगेलिजन, और दसवें नंबर पर इस सोडी भाई, ग्यारहवें नंबर पर आपको हामिस बेनेट खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम के प्लेइंग 11 में आपको चेंजेस जो है वो नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनके पास जो है वो सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 में से एक है इनका। तो दोस्तों, ट्रेंट बोल्ट की अनुपस्थिति में न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक जो है वो थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड की टीम फाइट बैक कर सकती है। और अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं इस मुकाबले के टाइमिंग के बारे में, यानी कि यह मुकाबला जो है वो कितने बजे से स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, यह मुकाबला 31 जनवरी को स्टार्ट होने वाला है, और मुकाबले की टाइमिंग जो रहने वाली है वो है 12:30 पर। 12:30 से आप इसे लाइव देख सकते हो स्टार स्पोर्ट्स और हॉट स्टार पर। तो दोस्तों, ये थी लाइव स्ट्रीमिंग अपडेट्स और इसके टाइमिंग के बारे में। और अब हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले के प्रेडिक्शन के बारे में, यानी कि किस टीम की जीतने की संभावना अधिक है। तो दोस्तों, मेरे अंदाजे से भारतीय टीम का पलड़ा जो है एक बार फिर से इस मुकाबले में भारी रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम का जो प्लेइंग 11 है वो उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है। ट्रेंट बोल्ट के गैर मौजूदगी में न्यूजीलैंड का प्लेइंग 11 जो है वो बहुत ही ज्यादा वीक नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आई थिंक इंडिया जो है वह इस मुकाबले को फाइनली एक बार फिर से जीत जाएगी, और भारत इस सीरीज में 4-0 से जो है वो आगे हो सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इस मुकाबले को जीत सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिए। और दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।